अब मैं यहाँ लूट रहा था और मेरे घर के नीचे एक बंदा आ चुका था। इस बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ। और भाई बंदा सोलो ही स्क्वाड खेल रहा था, देख रहे हो? मतलब अब यहाँ बड़ा वाला मेडकिट लगा ही रहा था कि सामने एक नॉक बंदा दिखाई देता है। सब जान रही हूँ। अब बस देखते जाओ इस घर में क्या खतरनाक फाइट होने वाली है। एक स्क्वाड से दो बार फाइट होगी, साथ में ये जो बंदा आ रहा है भाई बहुत हरामी था, देखो बस। तुम चिल्लाते नहीं हो ना? अब बंदे के खेलने से यहाँ समझ गया था मैं कि ये इतनी आसानी से रस नहीं करने वाला। चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको मिल सकता है एक iPhone 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। सीक्रेट है आपके क्रिकेट का क्रेज। 22 मार्च को शुरू हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल IPL, जिसका पहला मैच है बेंगलोर और चेन्नई के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11 ऐप अभी और टीम बनाओ। My11 सर्कल ऑफिशियल IPL स्पॉन्सर भी है। टीम बनाने से पहले आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इसे आपके एक्सपर्ट टीम सेक्शन से टीम कॉपी कर लो, डाउनलोड करके गिवअवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो iPhone 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 22 मार्च के मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है और मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। IPL के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े प्राइज होंगे। इतना ही नहीं, पहले 5 मैचेस में टॉप 10 प्लेयर्स को मिलेगी महिंद्रा थार, वो भी हर दिन। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहाँ जाके यूज करो मेरा कूपन कोड, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा आपको 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है। मेक योर टीम ऑन My11 सर्कल फॉर बेंगलोर और चेन्नई नाउ। अब ये बंदा सीधा आ नहीं रहा था भाई, तलवार लेके आ रहा था और मेरे पास UMP था जो कि भाई तलवार तोड़ते तोड़ते ही रिलोड हो जाएगा। इस बंदे को जैसे ही नॉक फिनिश करता हूँ भाई सी के टीममेट यहाँ रश कर देते हैं और देखना ये लोग कैसे दिमाग लगा के आ रहे थे दोनों साइड से। इन दोनों बंदों को जैसे ही फिनिश करता हूँ भाई यहाँ की स्क्वाड थर्ड पार्टी कर देती है और अब देखते जाओ क्या ही फाइट होने वाली है। अरे नेड कर रहे दोनों। अब ये बंदे सीधा रस तो नहीं कर रहे थे बल्कि नेड मॉली यहाँ सब किए जा रहे थे एक के बाद एक। अब अगर इस वाली फाइट में जरा भी मजा आया हो तो एक लाइक कर देना और जो बंदे भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो यार। और ये फाइट यही खत्म नहीं होती, अभी ये लोग रिकॉल होके फिर से बदला लेने आने वाले हैं, तो बस तैयार हो जाओ। अब मैं लूट वगैरह ही कर रहा था कि भाई सामने एक बंदा दिखा जो कि आके टीपी लेने लगा छत के ऊपर। इस बंदे का कपड़ा देख के यहाँ मैं समझ गया था कि इसको मैंने मारा था जो कि आया था बदला लेने। नॉक कर देता हूँ। मर गया। अरे उधर कोई मर गया बंदे। इसको तलवार से फिनिश करने के बाद इसकी स्क्वाड भाई कतई गुस्से में आ जाती है और देखो अब क्या होता है। जा ही नहीं रहा वहां तक।
बेचारे ये लोग यहाँ बदला लेने के चक्कर में फिर से अपनी पेटी बनवाते हैं, बाकी फिनिश करते हैं चारों बंदों को एक के बाद एक करके। फिर टीममेट को यहाँ बचाने के बाद मेरा प्लान था निकलने का कि उतने में और बंदे भी आ जाते हैं। अब ये बंदा यहाँ कतई स्पीड में रश कर रहा था और मैं नेट का पिन खींच के तैयार था बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता था बंदे के पास डीबीएस नहीं तो भाई मैं सामने ही नहीं जाता। खैर नॉक करके बंदा पूरा ही फिनिश कर देता है, उसके बाद रिकॉल वगैरह होकर मैं जाता हूँ बदला लेने के लिए, ठीक है। पर यहाँ आते आते शायद वो बंदा टपक चुका था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मैं इतना गंदा फंसूंगा कि बचने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा, देखते जाना बस। खैर पहले पीछे उतरता हूँ लूट वगैरह करने के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ से भाई थोड़ा बहुत लूट वगैरह करके तलवार लेके सीधा मैं आ जाता हूँ आगे की साइड। बंदा इतना गंदा मारता है कि भाई मेरा 1 HP हो चुका था और मेरे पास हेल्थ के नाम पे बैंडेज था और ड्रिंक और नीचे पूरी स्क्वाड। अब मुझे पता था मेरी HP यहाँ इतनी है कि अगर एक बंदा भी आ गया ना तो एक गोली तो मार ही देगा और पेटी बन जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ मॉली वगैरह कर देता हूँ, नेड कर देता हूँ जिससे मौका मिल जाए हेल्थ करने का। और एक बात कमेंट करके बताना कि अगला जो मोड आ रहा है वो कैसा है, अगर आप लोगों में से किसी ने खेला है पबजी मोबाइल तो। अब ये बंदा तो यहां मेरी मौली में घुस जाता है, नॉक कर देता हूं और फिनिश भी कर देता हूं पूरा, और एक और बंदा नॉक हो चुका था मेरे ही मौली से। वो बंदा भी यहाँ फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं वेट करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो बंदे थे वो भाई पीछे साइड चले गए थे तो मैं भी गाड़ी वगैरह उठा के निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब वो बंदे कर रहे थे कैंप और यहाँ जोन भी आ चुका था। तो ऐसे भाई कैंपर से मरने से अच्छा गाड़ी उठा के निकल जाओ फटाफट। फिर मैं आता सीधा स्क्वाड हाउस पे और यहाँ सामने ड्रॉप गिरा था और अब यहाँ देखना बस पूरी स्क्वाड आने वाली है। अब आते ही यहाँ मेरा खतरनाक वाला लैग हो रहा था, इसलिए देख रहा था मैं चारों तरफ के बंदे कहाँ हैं और उतने में गाड़ी की साउंड आई। अब पहले मुझे लगा ये लोग गाड़ी मेरे घर पे रोके, इसलिए मैं नेट का पिन खींच के तैयार था, पर ये तो भाई गाड़ी ओपन में रोक के जब शूटर और तलवार वगैरह यूज करके रश कर रहे थे। अब बंदा तो यार छत के ऊपर चढ़ के मेरे को ही देख रहा था और बाकी के बंदे यार लेफ्ट राइट हर जगह थे और मुझे पता था भाई नेड मौली आने वाला है। इस बंदे ने तो इतना डैमेज दे दिया था कि मेरे पास एक ही चारा था कि भाई हेल्थ कर लो पहले और सीढ़ी भी इसलिए मौली कर देता हूँ कि बंदा ना आ पाए ऊपर। Awesome. दो बंदों को जैसे ही फिनिश करता हूँ तीसरा बंदा यहाँ घर के नीचे था जो कि नेड कर रहा था। फाइनली यहाँ ये वाली स्क्वाड को फिनिश करते हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, अभी देखते जाओ बस। यहाँ सीधा मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ सामने वाले घर पे रस करने के लिए, क्योंकि सामने से हो रही थी फायरिंग और फाइट वगैरह भी अभी हुआ था तो मैं चल देता हूँ भाई रस करने। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे पूरी स्क्वाड बैठी हुई है। अब कभी भी इस वाले घर पे रस कर रहे हो और बंदे स्क्वाड हाउस पे हैं तो भाई आते ही पहले पीछे ही बैठे रहो, क्योंकि अगर सामने ऊपर रूम में जाओगे या फिर सामने गेट पे जाओगे तो उधर से आएगा नेड और वहीं बन जाएगी पेटी। इस बंदे को नॉक करते ही अब कर देता हूं मैं सीधा रस।
साथ स्मोक में एडजस्ट करके M4 ग्लेशियर वाले को नॉक कर देता हूँ।